भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें तथा मस्त रहें, निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा व्रत खोलने का समय यानी पारणा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है, और पुत्रदा एकादशी जो कि संतान को देने वाली एकादशी मानी जाती है। और यदि आपके यहां संतान प्राप्ति हो चुकी है तो संतान की उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करवाने वाली इस एकादशी को माना जाता है। संतान को लंबी उम्र देती है, उत्तम स्वास्थ्य देती है तथा संतान के जीवन में उन्नति और प्रगति को प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी होती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए, लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति और प्रगति भी होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं निरंतर प्राप्त होती रहेगी और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं अथवा संतान की उन्नति या प्रगति चाहते हैं या फिर अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन किया जाएगा। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 12 जनवरी 2022 बुधवार को शाम 4:49 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 13 जनवरी 2022 गुरुवार को शाम को 7:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी हमेशा सूर्योदय व्यापिनी ही व्रत करना चाहिए, और जिस एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है उसे हरिवासर एकादशी कहा जाता है, और यह एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। तो वैष्णव परंपरा के अनुसार आपको एकादशी का व्रत इस बार 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन ही करना है, और दशमी के नियमों का पालन आपको 12 जनवरी 2022 बुधवार के दिन करना है। वहीं जो भक्तजन माताएं बहनें 13 जनवरी 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के बीच में उनको इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जो मनुष्य, जो भक्तजन माताएं बहनें करती है उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के नियम 12 जनवरी 2022 बुधवार को पालन करना होंगे। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए।
और दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल या अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 13 जनवरी 2022 को एकादशी तिथि रहेगी। गुरुवार को आप सुबह जल्दी उठे ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे, और स्नान करने के पश्चात आप जिन वस्त्रों को पहने हुए थे उनको स्पर्श न करें, धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको पीतांबर वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। पीतांबर जैसे कि पीले वस्त्र या जो प्रभु को पसंद हो ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण इस दिन धारण करना चाहिए। और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के पहले आप बगैर धुले वस्त्रों को या फिर जिन पर आप सोए थे उनको स्पर्श कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप परम पवित्र हो जाएंगे और मस्तक पर तिलक भी धारण करना चाहिए। गले में तुलसी जी की माला या अन्य माला आपको धारण करना चाहिए। मस्तक पर तिलक धारण करके ही प्रभु के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हमें अपने अंदर जो है देवत्व स्थापित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु का सुंदर स्वरूप होता है उसी प्रकार हमें अपने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके ही प्रभु के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। और कोई भी व्रत जब किया जाता है तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या फिर सकाम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। सकाम व्रत का अर्थ होता है आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई मुरादे हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए जो व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्धि मानी जाती है। संकल्प वैसे तो आप हाथ में जल लेकर के धारण कर सकते हैं, और यदि आपके पास यह व्यवस्था नहीं है, आप यात्रा में हैं, ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से भी संकल्प धारण करके व्रत का आरंभ कर सकते हैं। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेना। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञा करना। तो प्रभु के सामने हम संकल्प धारण करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा तथा विधि विधान से करेंगे। इस प्रकार संकल्प धारण करने के लिए आपको जल की आवश्यकता लगेगी, एक सिक्के की आवश्यकता लगेगी और सुपारी की आवश्यकता लगेगी, तुलसी जी के पत्ते आपको इसमें रखना होगे, तथा चावल के स्थान पर यानी अक्षत के स्थान पर आपको जव अथवा तिल के अक्षत हाथ में रखना है, और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना चाहिए। और संकल्प आरंभ करने के पहले हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग की अंजलि में आप जल रख ले, सुपारी रख ले, एक सिक्का रख ले, और इसमें अक्षत यानी चावल के स्थान पर जव अथवा तिल रख ले। तिल इसमें आप काले तिल का उपयोग करें, आप चाहें तो सफेद तिल भी इसमें रख सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते इसमें आप रख लीजिएगा और 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करिएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत् मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते देशै अवंतिकायां विशालाक्षेत्रै मध्य प्रदेशै भोपाल मंडलांतर्गतै भोपाल नामनी नगरै
आप जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में निवास करते हैं, वहां का नाम उच्चारित आप कर दीजिएगा। भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोष मासे ही शुभ ही शुक्ल पक्ष ही अध्याय एकादश्यायां पुण्यतिथियो कृतिका दिवस नक्षत्र बृहस्पति वासरान्वितायां वृषभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः धनु राशिस्ते श्रीसूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्रीदेवराजगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अपना नाम और गोत्र यदि आपको याद है तो वो उच्चारित कर दीजिएगा, नहीं तो नाम और आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। सपरिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे कृषि कार्ये व्यापारे यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थञ्च अद्य दिवसे पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति प्रदान करें कि हम पूरी निष्ठा भक्ति एवं पूरी आस्था के साथ में नियमों को पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिवत कर सकें। इस प्रकार आप संकल्प धारण करने के पश्चात आपका व्रत आरंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा फल भी सर्वोत्तम फलाहार माने जाते हैं। किसी भी प्रकार के शुद्ध फल पहले फलाहार का निर्माण कर लेवे और फलाहार का निर्माण करने के बाद में प्रभु को भोग धराएं। बिना भोग धराए कोई भी वस्तु आपको स्वीकार नहीं करना है, यानी प्रभु को निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इस फल को या फलाहार को आप स्वीकार करें, उसके बाद उस वस्तु का आप स्वयं उपयोग करें। और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन न तो पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है, न ही भोजन आदि में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो इस दिन आपको चावल या चावल से संबंधित किसी भी वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। फलाहार में कई भक्तजन माताएं बहनें हल्दी का प्रयोग करते हैं, वो भी गलत है, इसलिए हल्दी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वैसे एकादशी के दिन कत्था नहीं खाना चाहिए, कत्था खाने से भी व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी के दिन पंचामृत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दशमी के दिन शहद वर्जित मानी गई है। एकादशी के दिन पंचामृत, चूंकि दूध दही शहद शकर घी इन पांच वस्तुओं से मिलकर के बनता है, इसलिए पंचामृत का उपयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी वैसे तो आप प्रत्येक दिन प्रभु को स्नान कराते हैं और उनको वस्त्र धारण कराते हैं, लेकिन एकादशी के दिन उनको विशेष रूप से स्नान कराएं। प्रभु को स्नान कराने के लिए जल से स्नान कराएं, क्योंकि इस समय सर्दी यानी ठंडी का विशेष प्रकोप है, इसलिए गुनगुने पानी से प्रभु को स्नान कराएं, और यदि संभव हो तो यमुना जी के जल से प्रभु को स्नान कराना चाहिए।
कभी भी भगवान गोपाल कृष्ण जी को या ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है, हमेशा यमुना जी के जल से या फिर सादे जल से प्रभु को स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएं और उनको चंदन का तिलक लगाएं, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धराएं, इत्र उनको धराएं और इसके पश्चात उनको धूप दीप दिखा करके तुलसी पत्र उनके सामने अर्पित करें, तुलसी जी की मंजरी भी उनके सामने रखें और प्रभु के सामने नैवेद्यम रखें और पान का बीड़ा लौंग इलायची लगा करके उनके सामने रखें और श्रीफल नारियल उनके सामने रखें तथा प्रभु की आरती उतारे और एकादशी की कथा का श्रवण करें। और यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके प्रभु की स्थापना मध्य में कर लेवे और उनके दाहिने हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, उसमें आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं और प्रभु का पूजन करें, कलश का पूजन करें, आरती करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की जो कथा होती है वो हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से सुनने से आपको नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का संपूर्ण पुण्यफल मिलेगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण ही बोलते हैं, इसलिए आप एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुने और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति आप दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। वस्त्रदान भी कर सकते हैं, भोजन भी करवा सकते हैं, यानी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप दान पुण्य अवश्य ही कर सकते हैं। और एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, इनका अनादर अथवा अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन आपके घर में कोई भी याचक या भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। इस दिन यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए पत्ते या फिर पुष्प तोड़ते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको एकादशी के दिन न तो काटना है न ही कटवाना है। एकादशी के दिन आपको पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ में प्रभु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन प्रयास करना चाहिए कि आप जब घर की साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू के माध्यम से या अन्य किसी कारण से जीव जंतुओं का जो है कष्ट न पहुंचे, जैसे छोटे छोटे जीव जंतु झाड़ू के माध्यम से हमारे द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में जीव का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन गो सेवा अवश्य करना चाहिए। गो माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गो माता को हरी घास खिलाएं, गो माता को भोजन करवाएं, गो माता के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य गौ माता के लिए हरी घास या गौ माता के लिए भोजन या अन्य वस्तु का दान करता है, या एकादशी के दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को गौ दान करता है, उनको अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो पूरी रात जाग करके प्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं या भगवान के कोई भी अन्य पवित्र नामों का आप उच्चारण भी कर सकते हैं। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में भगवान का पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक के दौरान जन्म का सूतक हो अथवा मृत्यु का सूतक हो, ऐसी अवस्था में भगवान को स्पर्श करना या पूजन करना वर्जित माना जाता है।
इसलिए आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन आदि कार्य बिल्कुल न करें। और यदि कोई माताएं बहनें एकादशी के दिन मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है, ऐसी अवस्था में भी वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन भगवान को स्पर्श करना तथा पूजन करना इस दौरान वर्जित माना जाता है। इसलिए मासिक धर्म वाली महिलाएं भगवान का पूजन अर्चन और स्पर्श बिल्कुल न करें। और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है और पुत्र प्राप्ति के लिए यह एकादशी विशेष रूप से मानी जाती है, इसलिए गर्भवती माताएं बहनें अच्छी प्रकार से फलाहार करके, यानी फल आदि लेकर के, दूध से बनी वस्तुएं लेकर के और अन्य अच्छा फलाहार लेकर के इस व्रत का पालन कर सकती है। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन यदि पति पत्नी संयुक्त रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान गोपाल कृष्ण को माखन का भोग लगा करके वह प्रसाद स्वयं यदि ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस दिन भगवान बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक पति पत्नी जोड़े से भेंट करके करते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या फिर संतान गोपाल का मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि उनके घर में संतान प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र जाप करने से निश्चित तौर से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप मंत्र जाप करके भगवान का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय बिल्कुल नहीं है। जो भक्तजन माताएं बहनें 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा अगले दिन सुबह यानी 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के मध्य व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा करने के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प धारण कर ले। यदि आप किसी परिजन को अपना इस एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो हाथ में जल लेकर के उनका नाम गोत्र उच्चारित करते हुए उनको पुण्य प्रदान कर सकते हैं। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त आपको ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, या फिर सीधा आटा दाल चावल भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर आप नगद राशि भी ब्राह्मण को इस समय प्रदान कर सकते हैं। यानी व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का बहुत अधिक पुण्य होता है। 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, जितना अधिक आप ब्राह्मणों को भोजन द्वादशी के दिन व्रत का पारणा के समय करवाएंगे उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और आप एकादशी व्रत का जो पारणा करते हैं यानी जो व्रत खोलते हैं वह शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही खोलना चाहिए। इस दिन आप ध्यान रखें कि भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि भोजन तैयार नहीं है और अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप तुलसी दल से या फिर मिश्री से या फिर जल से या पंचामृत से या कोई भी फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। पहला निवाला यदि आप चाहें तो तुलसी जी के पत्तों का लेकर के व्रत का पारणा करें और उसके बाद भोजन सामग्री आप ग्रहण करें। क्योंकि चावल का हम दशमी से लेकर के एकादशी तक परित्याग करते हैं, दशमी को भी चावल नहीं खाना है, एकादशी का भी जो है चावल के का परित्याग करना है, तो आप द्वादशी के दिन भोजन में चावल का उपयोग अवश्य करें। चूंकि चावल को देवान ने मना गया है और द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करते हैं तो चावल का जो है उस दिन उपयोग अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो चावल का भी पहला ग्रास लेकर के चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पारणा करेंगे और इस विधि से यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे
तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और संतान प्राप्ति के इच्छुक यदि कैसर युक्त दूध का भोग तुलसी पत्र डाल करके प्रभु को रात्रि में लगाएं और उस रात्रि में आप पति पत्नी दोनों ही यदि उस कैसर युक्त दूध का पान करेंगे, दूध को पिएंगे, तो निश्चित तौर से उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।